तुम्ही आजपर्यंत भेळ तर खाल्लीच असेल, मात्र कधी आईस भेळ खाल्ली आहे का? मुलुंडमध्ये आईस भेळ मिळते, पाहुयात कशी बनते ही आईस भेळ। इनको 65 ईयर्स जूना धंधा है, ये 30 साल से बंदा बना रहे हैं भाई। और सब ये चटनी अपना घर का ही बनाया हुआ है, सब सेव भी अपने पास बनता है, पूरी भी अपने पास बनता है, कुरमुरा भी अपना ही है, ढोकला सब सब अपना से, सब घर का आइटम है ओनली। बाहर का कुछ आइटम ऐड करते हैं, तीखा चटनी है, मीठा चटनी है, लहसुन का चटनी है, अलग कुछ नहीं है मैडम, घर से घर का चटनी है, लहसुन का चटनी है घर का, तीखा चटनी लहसुन अपना है घर का है, मीठा चटनी अपना घर का है। 3 बजे से 10:30 11:30 बजे तक आता रहेगा, अभी गिनती नहीं किया मैडम, इतना तो 100-150 आदमी आता रहेगा। रेट क्या है? 40 रुपया एक प्लेट। आइस सेव पूरी, भेल पूरी, दही पूरी, ढोकला भेल, खमन ढोकला, क्या बोल रहे हैं सब आता है। रेट क्या है? सबका 40 ही है, ओनली 40। पहले 5 रुपये में बेचता था, बाद में 7 रुपया हो गया, 6.5 हो गया, बाद में वापिस भाव कम हो गया, 5 रुपया 4 रुपया में देता था, अभी 7 रुपया है, 8 रुपया है, ऐसा बढ़ते 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 तलक 40 रुपीज हो गया। मैं 30 साल से यहाँ पे खा रही हूँ, बहुत अच्छा अच्छा और टेस्टी रहता है, और दही पूरी और सेव पूरी भी बहुत टेस्टी रहता है, यहाँ का चटनी बहुत अच्छा है, आइस बेल अच्छी है। वर्ष जुनी असलेली ही आईस भेळ खाण्यासाठी मुलुंड मध्ये मुंबईतल्या विविध भागातून लोक येत असतात। नुपूर पाटील, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई।